अरे तो मेरे को थोड़ी पता था कि वो सर सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हैं। अगर मेरे को पता होता ना तो मैं अव्वल आता। अव्वल भाई ये तो दूसरा नोबिता है, फेल ही होता है। वैसे शिवम तूने एक काम बहुत अच्छा किया है। क्या रिंकी? देख मुझे उम्मीद थी तेरा एक नंबर आएगा, पर तू कितने नंबर लाया? दो नंबर। इसका मतलब इंप्रूव करना है। वेरी गुड। गलती से मिस्टेक हो गई। आये वैसे हमारे लिए भी सरप्राइज टेस्ट था, तू अकेला क्यों फेल हो गया? अब देखो तुम लोग मेरे को इतना मत चिढ़ाओ वरना मैं रो दूं अभी यहीं पे। फेलियर कहीं का? गधा कहीं का? पढ़ना नहीं आता ना तेरे को, चल निकल यहां से। फेलियर कैसे रोता आ गया? नहीं निकम्मा, पांच नंबर लिए। विशाल विशाल जल्दी। यस यस मैं जीतूंगा। अरे विशाल भाई मेरे को भी खिलाना है यार, मेरा मन कर रहा है खेलने का। ला दे। अबे तू पागल है क्या? हमारा गेम खराब कर रहा है, निकल यहाँ से। गेम खराब कर रहा है, गेम के बीच में आ रहा है पागल सा। अरे यार तुम ही लोग कुछ बोलो ना, मेरा ही मन कर रहा है रैकेट खेलने का। प्लीज बोलो ना, मेरे को भी खिलाएगा विशाल। अबे ओ तेरे को गेम देखना है तो देख वरना निकल यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन यार मैं तो तुम सबका दोस्त हूँ ना और क्लास में भी पढ़ता हूँ यार, इसके लिए खिला दो ना प्लीज। अच्छा क्यों खिलाए तेरे को? देख मेरे पास रैकेट है, उसके पास भी चिड़िया, उन दोनों के पास भी रैकेट है, तेरे पास क्या है, क्यों खिलाए तेरे को? मेरे पास? अरे मेरे पास तुम सब होता सही, मेरे क्लासमेट, इसलिए तो खिलाना पड़ेगा। हम तेरे दोस्त नहीं है। अबे क्लास में पढ़ता है तो क्या हुआ, हम तेरे को खिला लेंगे, तेरे को ऐसा लगता है क्या? अबे हम सिर्फ चार दोस्त हैं, एक दो तीन चार, समझा? जा यहाँ से निकल। अरे अब तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, पागल है कुछ? हमें खेलने क्यों नहीं दे रहा? अभी तेरे को समझ नहीं आता, बार बार हमारी गेम के बीच में टांग अड़ाने आ जाता है, बेफालतू में चेप हो रहा है। सही बोल रहे कोमल तू। अबे एक काम कर तू, निकल जा यार, चल। हाँ फ्रेंड्स मुझे लगता है ऐसे नहीं मानेगा, इसकी ना कुटाई करनी पड़ेगी। हाँ विशाल तू जा, इसकी ना कुटाई कर, काम पते। यहाँ सिर्फ हम खेलेंगे, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, समझा? अबे ओ अगर तू ज्यादा पिटना नहीं चाहता ना तो निकल जाए यहाँ से। पागल सा हमेशा पिटता फिर भी आ जाता है वापस। अबे निकल ले। चल ना। सारा गेम खराब कर दिया। चल दोबारा आ जा चल। भाई भाई देखियो। अबे खून कैसे आ गए तेरे? वो भाई मैं ना पार्क में खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ, मैंने उनसे कही मेरे को भी खिला लो, मेरे को खिला ही नहीं देते, ऊपर से विशाल के बच्चे ने मेरे को बहुत मारा। अबे तेरे ना काम ही पिटने गया है, अभी अच्छे काम करे तूने, खानदान का नाम डोब रखा है तूने पूरा का पूरा, ना पढ़ाई में अच्छा है ना खेल में अच्छा है। अबे कुछ करना आगे नहीं करना, बस पैसे चाहिए तेरे को, पैसे मांगता रहेगा। अपना देख लियो मैं जा रहा हूँ काम से, और हाँ ये मम्मी का शीशा आया हुआ है, शांति से अंदर लगा दियो या अंदर रख दियो, इसी काम करनी है निकम्मा। सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, स्कूल में भी पिटता हूँ, घर में भी पिटता हूँ और बाहर से भी पिट के आता हूँ, ना मम्मी प्यार करती है ना पापा करते ना भाई। हे भगवान तूने मुझको ऐसा क्यों बनाया, ना घर से पैसे मिलते कुछ खाने पीने के लिए। क्या करूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ? ओए मम्मी यहाँ का रखा था। शीशा? अच्छा हाँ भाई ने बोला था कि मम्मी के कमरे में लगा दियो, चलो मम्मी के कमरे में लगा देता हूँ, नहीं तो मम्मी मारेगी आके। अब अच्छा लग रहा है। चलो चलता हूँ। शिवम ये आवाज किसने लगाई मेरे को? इधर उधर क्या देख रहा है, इधर देख। कौन है? अबे तेरे पीछे शीशे में। शीशे में कौन है? मैं ही तो हूँ ये। अबे 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 कौन है तू? मैं तू नहीं हूँ, मैं हूँ जादुई शीशा। जादुई शीशा? लेकिन हूँ मेरे जैसा चेहरा, मेरे जैसे बाल, ये सब ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फरिश्ता बनकर आया हूँ तेरे लिए, मैं शीशे में पूरे एक साल से कैद हूँ, कुछ बुरी शक्तियों ने मुझे शीशे में कैद कर दिया था, लेकिन आज
तेरे इन शुभ हाथों ने मुझे आजाद कर दिया है। तू बोल तुझे क्या चाहिए, और जो कोई भी मुझे शीशे में देखेगा मैं उसकी तरह दिखूंगा तो सही, लेकिन मेरा व्यवहार सबसे अलग होगा। हूँ तो मैं एक मामूली शीशा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खास हूँ। तो बोल क्या चाहिए तुझे इस जादू शीशे से। जादू शीशा पागल बना रहा है, ज्यादा ना मेरा दिमाग का भेजा गरम मत कर, मेरा भेजा गरम होगा ना मारो मुक्का टूट जाएगा एक ही में। तुझे मजाक लग रहा है ना। अच्छा वैसे ही बता तू कहाँ जा रहा है अभी। मैं जा रहा हूँ दूध लेने। तो ठीक है फिर, तू दूध लेकर जैसे ही वापस आ रहा होगा तुझे सामने ही 500 रुपए का नोट मिलेगा। 500 रुपए मिलेंगे, ओ भाई मैं तो अमीर हो जाऊंगा। अबे जाना अबे यार, पता नहीं कौन था वो शीशे में, उल्टी सुल्टी बातें कर रहा था, मुझे चलाएगा, झूठ झूठ बोलता रहेगा, बकवास कर रहा है, लेकिन शीशे में आ कैसे सकता है मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो हूबहू मेरी जैसी शक्ल का, पता नहीं यार अचंभे की बात है। तो और क्या कह रहा था कि मैं दूध लेने जाऊंगा और मेरे को 500 रुपये पड़े पाएंगे। बेवकूफ कहीं का। अबे यार वो शीशे वाला इंसान तो सही बोल रहा था, मुझे तो सच में 500 का नोट मिल गया। काम करता हूँ घर पे वापिस जाता हूँ। अरे भाई आपने सही बोला था कि तू दूध लेने जाएगा और तेरे को 500 रुपए मिल जाएंगे, इधर मिल गए मेरे को भाई। अरे भाई कहाँ है, हेलो। देखा मैंने तुझसे कहा था ना, मैं कोई मामूली शीशा नहीं हूँ, मैं हूँ जादू शीशा। अच्छा वैसे जादू शीशा भाई, आप मेरे को और कुछ भी दिला सकते हो जो मैं बोलूँ। हाँ जो तू बोलेगा मैं वो ला कर दूंगा, बता क्या बात कर रहे हो सच में। मेरे को गाड़ी चाहिए और अच्छे से कपड़े दिला दो और एक आईफोन की वॉच दिला दो जो यहाँ पे पहन लूँ मैं। बस बस ये ले। अरे मुझे क्यों घूरे जा रहा है, अपने कपड़े देख कपड़े। ओ, ओ, सूट बूट एप्पल की घड़ी। लेकिन जादू शीशा वो गाड़ी गाड़ी बताई थी वो। चाबी तेरी लेफ्ट वाली पॉकेट में है। ओ माय गॉड, गाड़ी भी मिल गई और कोट भी मिल गया, मजा आ गया। अब जाऊं अपने दोस्तों के पास। अच्छा वैसे जादू शीशा ये गाड़ी कौन सी है। वो तो तू बाहर जाइए और तेरे को पता लग जाएगा। ठीक है यस अब मजा आएगा। अच्छा वैसे एक बात बता, तू इन सब चीजों का करेगा क्या, गाड़ी ले ली तूने कोट पहन लिया, कहाँ जाएगा। मैं जाऊँ अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मेरे दोस्त हर वक्त मुझे बेइज्जत करते रहते हैं, जब देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ हूँ। अच्छा 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 मैं चलता हूँ। यार इस बार तो पेपर्स की ना एग्जाम की तैयारी मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई, मेरे तो हो ही नहीं रही है। अबे तुम ये पढ़ाई वढ़ाई की बात छोड़ो, तुम्हें एक बात बताऊँ, स्कूल में जो ईशा है ना उसे आज मैं प्रो मारने वाला हूँ। इस बार तो मैंने डिसाइड कर लिया, इस बार तो मैं फर्स्ट आके रहूंगी, पिछली बार तू फर्स्ट आ गया था, कैसे बताएगा। अबे जो स्कूल में पिंकी मैम है ना वो मेरी मम्मी है। ये तो बताया नहीं कभी। अबे यहाँ रास्ता दिख रहा है ऐसे ले जा। इसका मतलब तुझे क्वेश्चन पेपर बता दे है ना। अबे पता इसको रास्ता नहीं दिख रहा है ऐसे। अबे वो तो शिवम है। पर ये इतनी बड़ी गाड़ी में क्या कर रहा है। जरूर ये ना गाड़ी चोरी करके लेकर आया है या फिर कहीं से मांग कर लेकर आया है। साला मैं तो सा बन गया। अबे ये कोट वोट सूट बूट कहाँ भाई। मुझे तो पक्का यकीन है कहीं से भीख मांग के लेकर आया होगा, वैसे भी आदत है इसकी। सही कह रही है तू, ये रेंटेड कपड़े हैं, ये हो ही नहीं सकते इसके। बताएगा कहाँ से लेकर आया, रेंट से लेकर आया या मांग के लेकर आया, चोरी करी है तूने। तुम्हें यही लग रहा होगा कि ये कपड़े चोरी के हैं या फिर ये कपड़े रेंटेड हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये सूट भी मेरा है और ये बूट भी मेरा है और इस बूट से रेस देने वाली गाड़ी भी मेरी है। व्हाट अ जोक। अब तेरा ये मजाक हो गया हो ना तो बता दे कहाँ से लेकर आया। अरे चमकांडी जी तेरे को मजाक लग रहा है, ये गाड़ी मेरी है समझ में आ गई बात, और ये कपड़े भी मेरे हैं। अबे तू लंच भी हमारा खाता था, तू ये गाड़ी कहाँ से ले आया। झूठ बोल रहा है पक्का। ओए ऐसे कैसे हो सकता है,
स्कूल में तो कॉपीज हमसे मांगता था, और खेलने के लिए जब हम खेलते थे तब रैकेट भी इसको चाहिए था और चिड़ी छक्का भी चाहिए था। ये सब कैसे आ सकते तेरे पास? बस इसीलिए तुम लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट करते थे ना, उस ऊपर वाले ने मेरी सुनी, और देखो आज मेरे पे बंगला गाड़ी और मैं हूँ। ऊपर वाले किरायेदारों ने दे दिया क्या सब? अरे ऊपर किरायेदार नहीं भाई, वो भगवान। भगवान, मैंने अपने सारे दुख दर्द बताए भगवान को, और भगवान ने देखो आज मेरे साथ कितना अच्छा किया। अब बोलो, बोलती बंद हो गई। और हाँ, मेरे पास एक और वरदान है, मैं किसी का फ्यूचर बता सकता हूँ कि तेरे साथ क्या होने वाला है। तेरे साथ। सच में? ठीक है, फिर सबसे पहले ना मेरा फ्यूचर बता। तेरे साथ होने वाला है, आज तू घर पे जाएगी ना तो तेरे को रसगुल्ले मिलेंगे। रसगुल्ले? सच में? एक सेकेंड, ऐसा सच कैसे हो सकता है? हाँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। चल देखते हैं, नहीं मिले ना फिर बताऊंगी। मेरा बता दे प्लीज, मुझे क्या मिलेगा? तेरा भी तेरी जो फेवरेट डॉल है ना, जो तू बोलती है कि मेरे को वो चाहिए होती है, आज शाम को तेरे को मिल जाएगी। तेरी मम्मी तेरे लिए गिफ्ट लेके आएगी, वो बड़ी वाली बार्बी डॉल। यस। और मेरा और भाई तेरे को भाई घर जाती, तेरा बड़ा भाई तेरे लिए नाइकी के शूज लेके आएगा, ब्रांड न्यू। फुटबॉल खेलने चाहिए तू। और भाई तेरा फ्यूचर? अबे बस, मुझे अपना फ्यूचर नहीं जानना, वो भी तेर से। मुझे पता है तू ये सब ढोंग कर रहा है, ढोंगी कहीं का, जरूरी है चोरी करके लाया। मुझे नहीं सुननी इसकी बकवास, तुम लोग सुनो। हाँ जा चल। अरे भसता ही रहेगा यार, बोलेगा भी कुछ, क्या हुआ? बता। अरे जादू शीशा, आज तो बिल्कुल कमाल हो गया। आज मैंने अपने दोस्तों की टैटा फिस कर दी, सबको ऐसा दिखा दिया कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, मेरे आगे ज्यादा करके दिखाते थे मेरे को। आज मजा आया मेरे को, बिल्कुल दिल मेरा खिल गया आज। चलो बढ़िया है, आखिर तू तो खुश हुआ। अरे मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ गया मेरे को तो, दिल खुश हो गया। अरे जादू शीशा, मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? वो मैंने ना अपने दोस्तों को बता दिया कि तुम्हारे साथ अब क्या क्या होने वाला है, तुमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, अगर वो नहीं मिला तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हवाबाजी दिखानी थी मेरे को थोड़ी सी, इसलिए मैंने बोल दिया। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अरे भूल गया मेरा नाम क्या है? जादू शीशा। जादू शीशा, मैं तो भूल ही गया था। आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो मतलब अंतर्यामी हो, तो आप फ्यूचर उनका सच कर सकते हो। चिंता मत कर, सब हो जाएगा। यस, अब मजा आएगा। अच्छा चलता हूँ अब। अच्छा सुन। हाँ? नहीं, कुछ नहीं, जा तू। लगता आने वाला होगा। अरे नहीं आया यार, उसे ही तो ढूंढ रहे हैं। तू यहाँ कैसे? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अबे मेरी छोड़ो, मेरा तो घर है ये, तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम चारों? हम आंटी से मिलने आए थे। आंटी से मिलने आए थे? बता दूँ क्या? हाँ बता दे। वो शिवम भाई, वो आपने बताए थे ना कि वो नाइकी के जूते मिलेंगे, वो मिल गए। और मुझे डॉल भी मिल गई, वो भी मेरी मम्मी ने गिफ्ट की है। और मुझे रसगुल्ले भी मिल गए, आधा डब्बा तो खाली भी हो गया, मैंने खा लिया। देखा 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 देखा, मैं ना कहता था कि मेरी भविष्यवाणी सच निकलेगी, और देखो सच निकल गई ना। मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? हाँ यार, तूने तो बिल्कुल सही बोला था। अच्छा तो फिर भाई आगे तो बता दो। अरे ये सब छोड़, तू बता दे ना तेरे पास कौन सी शक्तियाँ हैं, हमें भी बता दे, हम भी कुछ कर लेंगे यार। अरे यार देखो, मैं सिर्फ एक ही बार तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, मैं तो तुम्हें आदत लगी तो रोज रोज आ जाओगे मेरे घर पे, मैं नहीं बता रहा। और अच्छा शिवम एक बात बता, जैसा जैसा तूने कहा था वो सब सच हुआ है। इसने जूते मांगे, इसे जूते मिल गए, और इसने गुड़िया मांगी, इसे गुड़िया, और यहाँ तक कि इसने रसगुल्ले मांगे, इसे रसगुल्ले मिले। वैसे मेरे को तेरी बातों पे 1% विश्वास नहीं है, ये सब हो कैसे रहा है? देख अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो चल निकल पतली गली नाप ले चल, और वैसे भी 5 सेकंड बाद बारिश आने वाली है। अबे पागल हो गया क्या, इतनी कड़ी धूप में बारिश होगी? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर यकीन नहीं होता ना तो खुद ही देख लेना। 1, 2, 3, 4, 5 बैंग। We'll be right back.
शीशा जी, हेलो। हाँ बोल, क्या हुआ? अरे शीशा जी, अभी पता क्या हुआ? मैं ना बाहर से आ रहा था और मेरे सारे दोस्त मेरे घर की तरफ देख रहे थे, तो मैंने उनको एकदम से धप्पा कर दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो जो उनका फ्यूचर मैंने बताया था ना, उनके साथ बिल्कुल वही हुआ। रिंकी को गुड़िया मिल गई और कोमल को रसगुल्ले मिल गए, और वो क्या नाम है उसका, शुभम को वो मिल गए जूते नाइकी के। और वो विशाल का बच्चा मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, बेवकूफ कहीं का, भगा दिया मैंने उसको। तूने उसको कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने बोला कि बस मेरे पास ऐसे ही आ गया, मेरे को शक्ति मिली है भगवान से। अच्छा वैसे जादू शीशा, मैं आपसे और कुछ मांगूंगा तो आप वो मेरे को दोगे? अरे तू एक बार हुक्म तो करके देख। अच्छा तो मुझे ना, मुझे 10 घर चाहिए बड़े बड़े आलीशान से, और मेरे को एक प्राइवेट जेट चाहिए, और मेरे को 10 नौकर चाहिए, और आलीशान जिंदगी चाहिए, और इतना पैसा चाहिए ना, इतना पैसा कि वो कभी खत्म ही ना हो, अनगिनत पैसा चाहिए। और एक मिनट रुको, मैं सोच कर क्या बड़ी तेज लगी। ओए माँ, ये शीशे में क्या दिख रहा था? हुकुम करिए मेरे आका, आप जो भी बोलोगे मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। हाँ, अरे शीशा कहाँ गया?